हाय गाइस, वेलकम टू लेडी माइंड। चलिए मेरे साथ आज के वीडियो में कुछ अलग लुक क्रिएट करते हैं। ये रहे बारिश के साथ मस्ती भरे कुछ पल जो मेरे इंस्टाग्राम आईडी में है, आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो चेक इट आउट। सो चलिए इस पल का लुफ्त उठाते हैं। बारिश में भीगने का कुछ अलग ही मज़ा होता है, क्यों दोस्तों? अब कुछ मेकअप भी कर लिया जाए। आज मैंने हुडा ब्यूटी का वाटरप्रूफ प्राइमर इस्तेमाल किया। आप चाहे तो कोई भी वाटरप्रूफ प्राइमर इस्तेमाल कर सकते हैं आपके बजट के हिसाब से, जैसे कि आगे की वीडियो में आपने देख ही लिया है। अब मैं हिलारी रोधा का कलर करेक्टर पेन स्टिक इस्तेमाल कर रही हूँ सारे डार्क सर्कल और मार्क्स को हाइड करने के लिए। ये मैंने एक लोकल शॉप से खरीदा है। अब मैं ग्रीन कलर करेक्टर इस्तेमाल कर रही हूँ सारे एक्ने स्पॉट और पिगमेंटेशन के मार्क्स को हाइड करने के लिए। हाँ, मैं ब्लेंडर के हेल्प से दोनों कलर को एक साथ ब्लेंड कर रही हूँ जिससे क्लीन लुक आए, जिससे कहीं भी अनइवन टोन ना लगे। जब भी आप कलर करेक्टर इस्तेमाल करें तो टाइम लेकर उसको ब्लेंड कीजिए। फाउंडेशन के लिए मैं पुडर फाउंडेशन शेड 3 इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ में मैं लैक्मी का 95 cc शेड बेस 1 इस्तेमाल कर रही हूँ। हमेशा ही मैं इन दोनों को एक साथ मिक्स करके अप्लाई करती हूँ, उससे मुझे मेरा स्किन कलर टोन मिल जाता है। अब मैं फिर से अपना फेवरेट ब्लेंडर को लेके ब्लेंड कर रही हूँ। ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा है। ये मैंने एक लोकल शॉप से ख़रीदा है। अब डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए मैं हुडा ब्यूटी का कंसीलर SPF 25 इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर कोई शेड मेंशन नहीं है। हमेशा जब भी मैं मेकअप करने बैठती हूँ, मुझे डिस्टर्ब करने के लिए मेरा नेफ्यू आके मेकअप का कुछ सामान चुरा के ले जाता है। मैं बहुत ही कम ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ, ज़्यादातर हैंड या फिर ब्लेंडर के हेल्प से मेकअप करती हूँ। अब मैं मेकअप को सेट करने के लिए एलिटिन का कॉम्पैक्ट पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। आज का पूरा वीडियो मेरा बारिश में ही होने वाला है, सो इसलिए मैं मेकअप को कॉम्पैक्ट पाउडर के हेल्प से बहुत अच्छे से सेट कर रही हूँ। ज़्यादातर लोग नेक एरिया भूल जाते हैं, पर मैं यहाँ नेक एरिया को भी सेट कर रही हूँ। आई मेकअप के लिए मैं हुडा ब्यूटी का न्यूड आई शेडो पैलेट इस्तेमाल कर रही हूँ। रेक्टेंगुलर ब्रश के हेल्प से मैं लाइट ऑरेंज शेड लेके अपने आई लिड पे लगा रही हूँ। एज यू गाइस नो, मैं ज़्यादातर ब्रश इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन एंड में मैंने फिंगर के हेल्प से इसको ठीक से अप्लाई किया। कॉन्ट्रोलिंग के लिए ADS अल्टीमेट कॉन्ट्रोल पैलेट से मैं ब्राउन शेड लेके कॉन्ट्रोल कर रही हूँ। जहाँ ज़रूरत है लाइक फोरहेड, चिन, इन सब में कंट्रोल कर रही हूँ। लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए किस ब्यूटी का लिप बम इस्तेमाल कर रही हूँ। अब फिर से चलते हैं आई लुक में। आई लुक के लिए मैं मी ऑन रिच कलर का शेड 10 इस्तेमाल कर रही हूँ। उसको थोड़ा सा रेक्टेंगुलर ब्रश के हेल्प से, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, आईलाइनर की तरह अप्लाई कर रही हूँ। एक पतला सा विंग क्रिएट कर रही हूँ। जादू से दूसरा साइड भी विंग क्रिएट कर लेती हूँ। आईलाइनर के लिए मैं वाटरप्रूफ मैक आईलाइनर इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले जो विंग्स क्रिएट किया था उसके नीचे एकदम पतला सा एक विंग ब्लैक कलर से आईलाइनर के हेल्प से क्रिएट कर रही हूँ। आईब्रो के लिए मैं एक आईब्रो पेंसिल इस्तेमाल कर रही हूँ। इस पेंसिल के हेल्प से मैं आईब्रो को फिलअप करके एक प्रॉपर शेप दे रही हूँ। जब तक आईब्रो ठीक से क्रिएट ना हो तो आई लुक अच्छा नहीं लगता। अब बारी है लिपस्टिक की। ADS प्रो लिपस्टिक शेड नंबर 422 अप्लाई कर रही हूँ। अब बारी है मस्कारा की। यहाँ मैं मैक वाटरप्रूफ मस्कारा इस्तेमाल कर रही हूँ आई लुक को कंप्लीट करने के लिए।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हुडा ब्यूटी का मेट फिक्सर इस्तेमाल करके मैं अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ। अभी उसको मैं थोड़ा सूखने दे रही हूँ, उसके बाद ब्लेंडर की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी जिससे ये एकदम बारिश में वाटरप्रूफ मेकअप लगे। मैं भूल गई थी हाइलाइटर और ब्लश लगाना, सो ADS कॉन्टोर पैलेट से मैं थोड़ा हाइलाइटर अपने आईलिड और एप्पल ऑफ चीक के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। सेम पैलेट से ब्लश लेके थोड़ा सा एप्पल ऑफ चीक्स में अप्लाई कर रही हूँ। लिपस्टिक शेड मैच नहीं कर रहा मेरे लिप के साथ, सो मैं मी ऑन रीच कलर का शेड 10 फिर से इस्तेमाल कर रही हूँ। Now here is the final look. अब बारी है हेयर और आउटफिट की, चलिए देखते हैं। मुझे ये लुक इतना पसंद आया तो मैंने कुछ रील्स और फोटोशूट भी कर लिए वीडियो के साथ, डांस वीडियो के साथ। मैं यहाँ कुछ डांस वीडियो क्लिप भी ऐड कर रही हूँ म्यूट करके सॉन्ग को, से कॉपीराइट ना आए। अगर आप डांस कवर देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो देख सकते हैं। पानी पानी और बरसुरी। एंड लास्ट में ये रहे कुछ फोटोज़।